खरगोन जिले के टांडा बरोड थाना क्षेत्र के ग्राम गावसन में 13 अक्टूबर को विद्युत वितरण कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारी की बिजली पोल पर काम करते समय करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई थी। इस मामले में परमिट जारी होने के बाद सप्लाई शुरू करने से बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए थे और ग्रामीणों ने घटना स्थल पर प्रदर्शन भी किया था। अफसरों और पुलिस ने कार्यवाही का भरोसा देने के बाद एक सप्ताह बाद भी कोई हलचल नहीं होने पर शुक्रवार को ग्रामीणों ने आक्रोश दर्ज कराया है। ओम प्रकाश पाटीदार, कृष्णलाल पाटीदार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर, एसपी और अधीक्षक यंत्री कार्यालय पहुंचे। यहां शिकायत आवेदन सौंप कर बिजली विभाग के बतौर आउटसोर्स कार्य करते हुए करंट की चपेट में आए विकास पिता विनोद पाटीदार के परिवार को राहत राशि दिलाने सहित काम के दौरान बिजली सुचारू करने वाले कर्मचारी अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि दो दिन में शासन प्रशासन ठोस कार्यवाही नहीं करता है तो वह आंदोलन को बाध्य होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। हम समस्त ग्रामवासी गावसन से आए हुए हैं। एक्चुअली हमारे गावसन में एक विकास पिता विनोद पाटीदार का आकस्मिक लाइट की वजह से 11 KV की वजह से वहाँ पे उसकी दुर्घटना से मौत हो गई है। इस कारण हम सभी के सभी ज्ञापन देने आए हैं, कलेक्टर महोदय को, एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया हमने, उसके बाद एई ऑफिस में और सभी जगह जो जिन आदमी इनके जिम्मेदार है उनको सबको ज्ञापन दे के हम इसकी जो कार्रवाई है उसको जितने जल्दी जल्दी सुनिश्चित करके जो जिम्मेदार व्यक्ति है जिन्होंने घटना को घटित किया हुआ है उनको जल्दी जल्दी दोषी करके इनको इनके लिए कार्रवाई की जाए। मेरा नाम राहुल पाटीदार है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।